यो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज मैं आपको देने वाला हूँ माइनक्राफ्ट पोकेट एडिशन 1.20 के लिए बेस्ट सर्वाइवल सीड। एंड गाइज, सीड काफी ज्यादा ओपी है एंड महीनों बाद इसे सीड आती है, तो वीडियो पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। जैसे आप सीड को एंटर करोगे, आप यहाँ पे स्पॉन हो जाओगे एंड आपके सामने आपको जो पेड़ दिख रहा है उसके पास आपको चला जाना है एंड उसी के पास में आपको मिल जाएगा विलेज। एंड गाइज, विलेज काफी ज्यादा बढ़िया है। विलेज के पास में आपको मिल जाएगी चेरी ब्लॉसम बायोम एंड गाइज, इस विलेज के अंदर आपको मिल जाएंगे 5 to 6 ब्लैक स्मिथ। मैंने ठीक से गिने नहीं, हाँ, लेकिन 5 से 6 ब्लैक स्मिथ आपको मिल जाएंगे। गाइज, वैसे तो आप अपने सर्वाइवल जर्नी यहाँ पर भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जो हमारा थर्ड नंबर का विलेज है ना, उसके अंदर आप अपने सर्वाइवल जर्नी स्टार्ट करना, वो काफी ज्यादा ओपी होगा। गाइज, अगर हम सारे ब्लैक स्मिथ के लूट एक साथ चेक करेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करते, सारे के लूट एक साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा। एंड इस चेस्ट के अंदर आपको इतनी सारी लूट मिल जाएगी, ये सारे ब्लैक स्मिथ की, जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो एंड आगे भी आपको ब्लैक स्मिथ देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइज, इसी विलेज के पास में आपको इन कोऑर्डिनेट्स पे मिल जाएगा पिलेजर आउटपोस्ट, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड गाइज, उसके बाद आपको विलेज के पास से इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करना है एंड थोड़ा आगे जाना है। एंड थोड़ा सा और आगे जाने के बाद आपको एक सेकंड विलेज मिल जाएगा। एंड गाइज, ये विलेज हमारे फर्स्ट विलेज के काफ़ी ज़्यादा पास में है, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लूट हो सकती है। एंड उसके बाद गाइस, आपको इसी विलेज के अंदर इन कोऑर्डिनेट्स पे टिक डाउन कर देना है। जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे, आप सीधा पहुंच जाओगे ज़ॉम्बी स्पॉनर के पास, जिसकी हेल्प से आप अपनी लेक्सी ज़ॉम्बी बना सकते हो। एंड उसी के पीछे आपको मिल जाएंगे 2 चेस्ट, जिसके अंदर बेसिक लूट आपको मिल जाएगी, जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो। एंड फिर से इसी विलेज के पास में आपको इन कोऑर्डिनेट्स पे टिक डाउन कर देना है, तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे स्केलेटन स्पॉनर के पास, जिसकी हेल्प से आप अपनी बोलने ज़ॉम्बी बना सकते हो। एंड उसी के साइड में आपको मिल जाएगी चेस्ट, जिसके अंदर भी आपको बेसिक लूट देखने को मिल जाएगी। एंड उसके बाद आपको इन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाना है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा थर्ड नंबर का विलेज। एंड इसी विलेज के बारे में मैं आपको बता रहा था। गाइज, विलेज काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड बेस्ट लोकेशन पे है। एंड इसी विलेज के अंदर आपको सारे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप माइनक्राफ्ट इजीली बीट कर सकते हो। तो गाइज, फटाफट दोनों ब्लैक स्मिथ की लूट भी चेक कर लेते हैं। तो यह हमारा फर्स्ट ब्लैक स्मिथ, एंड चलिए उसकी लूट चेक करते हैं। एंड इसकी चेस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे डायमंड्स, जिनको आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो। एंड हियर हमारा सेकंड ब्लैक स्मिथ, चलो इसकी भी लूट चेक कर लेते हैं। एंड इसकी चेस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी बेसिक लूट, जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो। एंड इसी ब्लैक स्मिथ के हाउस के पीछे आपको नेदर पोर्टल को क्रिएट कर देना है। एंड जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे, आप यहाँ पे स्पॉन हो जाओगे एंड उसके बाद आपको इन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाना है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेदर फोर्ट्रेस, जिसकी हेल्प से आप इजीली ब्लेजर रॉड कलेक्ट कर सकते हो। एंड इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको मिल जाएगा बैश जॉइंट, जिसकी हेल्प से आप इजीली लूट कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको विलेज के पास में इन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाना है। एंड ओशन के अंदर आपको मिल जाएगा ओशन मॉन्यूमेंट, जिसको आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर से विलेज के पास तीन कॉर्डर्स को फॉलो करना है। एंड आगे आपको मिल जाएगी शिप रैक, जिसके हेल्प से आप इजीली अपने ट्रेजर फाइंड कर सकते हो। एंड शिप रैक के पास में आपको मिल जाएगा रुइंड पोर्टल, जो अपने आखिरी सांस से गिन रहा है। एंड उसी के पास में आपको मिल जाएगी चेस्ट, जिसके अंदर आपको मिल जाएगी ओपी लूट, जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद फिर से विलेज के पास में इन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाना है। एंड यहाँ पे आपको टिक डाउन कर देना है। जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे, आप पहुंच जाओगे ज़ॉम्बी स्पॉनर के पास, जिसकी हेल्प से आप लेक्स भी बना सकते हो। एंड उसी के पीछे आपको मिल जाएगी चेस्ट, जिसके अंदर आपको मिल जाएगी ओपी लूट, जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद फिर से विलेज के पास में इन कोऑर्डिनेट्स पे टिक डाउन कर देना है। एंड जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे, आप तब पहुंच जाओगे एंशियंट सिटी के अंदर, जिसको आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड लिटरली गाइस, इस विलेज के अंदर आपको मिल जाएगी एंशियंट सिटी। एंड उसके बाद फिर से विलेज के पास में इन कोऑर्डिनेट्स पे टिक डाउन कर देना है। एंड जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे, आप पहुंच जाओगे माइन शाफ्ट के अंदर, जिसको आप अपने लिए एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको मिल जाएगा फोर्थ नंबर का विलेज, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। वैसे तो आप सर्वाइवल जर्नी किसी भी विलेज के अंदर स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको इस विलेज के अंदर तो आना ही पड़ेगा। एंड विलेज के अंदर आपको इन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाना है। एंड यहाँ पे आपको टिक डाउन कर देना है। जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे, आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाओगे, जिसको आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड का रास्ता भी बता सकता था, लेकिन यार उसके अंदर ना ऊपर की तरफ पानी है, तो आप जा नहीं सकते वहाँ पे डायरेक्ट। एंड यही कोऑर्डिनेट सबसे बेस्ट थे, इसके लिए मैंने आपको बता दिए। एंड आप स्ट्रॉन्ग होल्ड तो मिल गया, इसकी हेल्प से आप इजीली एंटर ड्रैगन को डिफीट कर सकते हो। एंड इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको मिल जाएगा ओल्ड लैंड मेंशन, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद होगी, पसंद होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।